हाँ तो गाइस, तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल न्यूज के विदाउट सबसे खतरनाक वाले न्यूज में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बतलाऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 10th का जो रिजल्ट आया था उसमें जितने भी टॉपर लिस्ट यानी कि टॉप सिक्स का मैं आप लोगों को लाइव मार्कशीट आप लोगों को दिखलाऊंगा, उन लोगों को कौन कौन सा सब्जेक्ट में कितना परसेंटेज मिला है, जिसके जरिए वे लोग क्या किए हैं टॉप 10 में अपने जगह बनाए हैं। और सबसे पहले स्थान पे कौन है? अमीषा। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को अमीषा का मार्कशीट दिखाता हूँ, उन लोग उनका कितना परसेंटेज आया और कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर है। तो चलिए आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो रिजल्ट आया था सेकेंडरी रिजल्ट मार्च वाला। तो हम लोग इस पर क्या करते हैं, सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आएगा, तो आपको इसमें क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, रेगुलर से है कि प्राइवेट से है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रेगुलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे ही रेगुलर सेलेक्ट करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा इंटरफेस। इसमें आपको मांगा जाएगा आपसे रोल नंबर, इसमें रोल नंबर, और इसमें क्या मांगा जाएगा आपसे डेट ऑफ बर्थ, और ए वाला कैप्चा है, इसमें आपको सिंपली फिल करके इस वाले सर्च बटन पर क्लिक कर देना। चलिए हम लोग क्या करते हैं, रोल नंबर डालते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे रोल नंबर डालने से पहले मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा। चलिए तो दोस्तों, यहाँ पे रोल नंबर डालने के लिए आ गया है, यहाँ पे डालते हैं रोल नंबर 10221446, उसके बाद है 11, ठीक है 4611। अब उसके बाद आता है यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए, डेट ऑफ बर्थ है इनका 9/11/2006। चलिए यहाँ पे इतना फिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे है आपको कैप्चा डालने के लिए, तो कैप्चा डालते हैं, कैप्चा कितना कितना है 77416। अब बचा सर्च पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अमीषा का मार्कशीट क्या हो गया है, निकल कर आ गया है। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे है, यहाँ पे देख सकते हैं साफ साफ, यहाँ नेम क्या है अमीषा, फादर्स नेम वेद प्रकाश, मदर्स नेम सुनीता। नेक्स्ट अब इनका मार्क्सशीट देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना कितना मार्क्स आए। तो आप लोग देख सकते हैं हिंदी में 100 में 100 है, इंग्लिश में 100 में 100 है, मैथ में 99 है, सोशल साइंस में 99 है, SC ST में यहाँ पर देख सकते हैं कितना 100 है, PHE में भी देख सकते हैं कितना है 100, यानी कि दो यहाँ पे दो में कम है सिर्फ इनके, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की बात कर ले तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कितना है 10 CGPA, यानी कि यहाँ पे GPA 10 है यहाँ पे, यानी कि 499 अंक इन्होंने हासिल किए हैं, कितना में 500 में। तो दोस्तों इनके लिए कॉन्ग्रेचुलेसन है एजुकेशनल न्यूज की तरफ से, आप ऐसे ही मेहनत करें और आगे बढ़े। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर अगर प्रिंट करने का मन है तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्रिंट का ऑप्शन है, प्रिंट भी कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों ने अमीषा का तो रोल नंबर देख लिया। तो चलिए अब हम लोग दूसरे टॉप ए हैं AIR1, जो हरियाणा की शेरनी है, इन्होंने पहले स्थान हासिल किए हैं पूरे हरियाणा क्लास 10th में टॉपर लिस्ट में पहले स्थान पे। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं दूसरा का रोल नंबर, यानी कि दूसरा जो टॉपर है उनका क्या स्थिति है, ठीक है, उनका कितना मार्क्स आया है, ठीक है दोस्तों। स्टार्ट करते हैं, ठीक है, दूसरा का रोल नंबर है 10/11/2005/7/57/20, उसके बाद है 54। इनका डेट ऑफ बर्थ की बात कर लेते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 09, यानी कि 9, उसके बाद है 12/9/12/2006 अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कैप्चा डालेंगे 48180 सर्च कर। तो दोस्तों आप लोग यहाँ पर दूसरे टॉपर कौन है, सुनैना, जिनका पिताजी का नाम क्या है विनोद कुमार और मम्मी का नाम है सुमन। यहाँ पर चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं
पूरा मार्क्स कितना है प्रत्येक सब्जेक्ट में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं उनका मार्क्सशीट आपके स्क्रीन पे ये रहा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग सब्जेक्ट में हिंदी में देख सकते हैं 100, इंग्लिश में 99, मैथ में 100, SOC में 97, SST में 99, संस्कृत में 99, यहाँ पर पूरी के पूरी मार्क्सशीट आप लोगों ने देख लिया था। अब टोटल नंबर की बात कर ले तो उन्होंने कितना हासिल किया है टोटल नंबर में, तो आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 500 में उन्होंने 497 अंक लाकर उन्होंने हरियाणा बोर्ड 10वीं में दूसरे स्थान हासिल किया है टॉपर लिस्ट में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट का टॉप, तो चलिए दोस्तों हम लोग तीसरे टॉपर से मिलवाते हैं क्योंकि सूर्य का चार अक्षर सेम है, लास्ट में ही बदलता है। तो चलिए आगे का रोल नंबर डालते हैं 10/22/29/22/06। अब डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ डालते हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या है इनका, तो डेट ऑफ बर्थ है इनका 06, तो चलिए 06/04/2006, इनका भी जन्म 2006 में ही है। अब कैप्चा की बात कर ले, कैप्चा कितना है इनका डाल कर देखते हैं, अगर ले लेता तो ठीक है, यहाँ पे एक कैप्चा भी ले लिया। तो दोस्तों इनका देखिए, तो दोस्तों आप लोग तीसरे टॉपर का आप लोगों के सामने है मार्कशीट जो कि जिनका नाम क्या है खुशी। तो चलिए आप लोग उनका मार्क्स देख सकते हैं कौन से सब्जेक्ट में, हिंदी में 97, इंग्लिश में 100, मैथ में 100, SOC में 92, SCST में 100 और PHE में कितना मार्क्स आया, 100 आया है। अब बात कर लेते हैं टोटल नंबर ऑफ कितना आया है, तो इन्होंने 497 अंक हासिल किए हैं 500 में से, ये भी क्या है टॉपर लिस्ट के तीसरे स्थान पर। तो दोस्तों इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लोगों ने तीनों टॉपर का देख लिया। तब चलिए हम लोग देखते हैं चौथे टॉपर का मार्कशीट कितना है, इनका मार्कशीट आप लोग ध्यान से देख सकते हैं। चलिए चौथे टॉपर से आपको मिलवाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो शुरू का तो सेम ही रहेगा, 10/22 रहेगा ही रहेगा, अब उसके बाद क्या है 10/22/34/42। अब इनका डेट ऑफ बर्थ कितना है, तो 10/12/05 है, 10/12/05, चलिए फटाफट डाल देते हैं एकदम 10/12/05 डेट ऑफ बर्थ। चलिए इनका कैप्शन नंबर और, तो दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चौथे जो टॉपर जिनका नाम क्या है मंजू, उनके पापा का नाम क्या है सतीश कुमार, मम्मी के नाम सुमन है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनको सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स मिला है। तो हिंदी में 99, इंग्लिश में 99, मैथ में 100, SOC में 97, SCST में 100 और MHV में 99 अंक मिला है, ये चौथे स्थान पर। और टोटल नंबर की बात कर ले तो 497 अंक हासिल किए हैं 500 में से, तो दोस्तों इनको भी कॉन्ग्रेचुलेशन। अब चलिए अब मैं बात करता हूं अगले जो टॉपर है पांचवें टॉपर के, आप लोगों को मार्क्स दिखाते हैं सब्जेक्ट वाइज। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं पांचवा का कितना है, रोल नंबर यहां पे डालते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं, रोल नंबर कितना, शुरू का तो चार अक्षर सेम ही सबका, बीच में बदला है। उसके बाद है 50/23/89, इनका डेट ऑफ बर्थ चलिए कितना है, डेट ऑफ बर्थ भी डाल लिया जाए, डेट ऑफ बर्थ है 27/09, उसके बाद 2007, सबसे कम उम्र की एक टॉपर लग रही है। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पांचवें टॉपर जिनका नाम क्या है सुहानी, यहाँ पे चलिए अब इनका हम लोग देखते हैं सब्जेक्ट वाइज कितना मार्क्स मिला है टोटल। तो दोस्तों हिंदी में 99, इंग्लिश में 100, मैथ में 100 और SOC में कितना मार्क्स मिला है 98 और SST की बात कर ले तो 97, PHE में कितना मिला है मार्क्स 99। तो चलिए आप टोटल नंबर की बात कर लेते हैं, इनको टोटल नंबर कितना मिला है 500 में से 496 अंक इन्होंने प्राप्त किए हैं जो कि हरियाणा बोर्ड 10वीं में या पांचवें स्थान में है टॉपर लिस्ट के। तो चलिए अब लास्ट टॉपर का मार्क्स दिखाता हूँ जो कि आपके सामने इस पर मार्क्स देखते हैं क्योंकि इन्होंने कितना मार्क्स लाया है, चलिए फटाफट देख लेते हैं। 10/22 फिर से 22 इनका, 15/78/15/78, चलिए फटाफट हम लोग डाल लेते हैं इनका डेट, लास्ट का 2007 ही है, बीच का चेंज है, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे कितना है 10, ये दो को जो ऐसी लड़की है जो,
तो दोस्तों आपके स्क्रीन पर लास्ट टॉपर है जो कि छठा, जिनका नाम क्या है यहाँ पे देख सकते हैं, रीना। ऐसे दो स्टूडेंट हैं जो कम उम्र के सबसे टॉपर है पचवे और छठे स्थान पर। चलिए इनका मार्क्स देखते हैं कितना सब्जेक्ट वाइज है। तो दोस्तों इन्होंने हिंदी में 97 और इंग्लिश में 100 और मैथ में 100 हासिल किए और SOC में 98 और SST में 98 और संस्कृत में 100 हासिल किए हैं। तो इनका टोटल नंबर की बात कर ले तो 500 में से इन्होंने 496 अंक हासिल किए हैं। तो इन 6 टॉपरों को एजुकेशनल न्यूज की तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन और इन सबको मैं बोलता हूँ कि अच्छे से और मेहनत करें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये हरियाणा बोर्ड क्लास 10वीं के टॉप 6 में से एक हैं। इन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं। तो चलिए दोस्तों ऐसे ही अपडेट के साथ मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट डे। ठीक है दोस्तों, तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस।